नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खमन ज्ञान की। और इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ओके, तो वहाँ आपको देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एमपी बात करें सामान्य ज्ञान में, और ये जो है एक टेस्ट की तरह है। इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको उनके आंसर बताना। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और जिन लोगों के जितने भी सही निकले आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करो, भले ही आपके 8 या 10 या 12 जितने भी सही निकले वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करो। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो या कोई चीज़ लिखते हो तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं कि हमें अब कहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है, ओके। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जितने भी आपके सही निकलते हैं वो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सैलाना अभयारण्य किस जिले में है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रतलाम में। सैलाना अभयारण्य रतलाम में। और अभयारण्य की बात करें तो नौरा देवी अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो सागर जिले में है। और आला मंडल की बात करें तो जो इंदौर में है वो सबसे छोटा अभयारण्य है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच जिले को सीमा किस प्रदेश को स्पर्श करती है? नीमच जिले की सीमा किस प्रदेश को स्पर्श करती है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में वहां से टच करती है। और नीमच की बात करें, नीमच मंदसौर, तो यहाँ पे क्या अफीम की खेती भी होती है। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पठार के आंशिक भाग में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा नीमच। मध्य प्रदेश के पठार के आंशिक भाग में नीमच शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी सागर अभयारण्य किस जिले में है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर और नीमच, ये दोनों ही जिले में पड़ता है। यानी फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन, मंदसौर और नीमच में गांधी सागर अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वैश्य टेकरी कहाँ है? वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में। उज्जैन में वैश्य टेकरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चामला नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है चंबल, छिप्रा, नर्मदा या ताप्ती। चामला नदी, इसका आंसर हो जाएगा चंबल। चामला नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक कहाँ के गवर्नर थे? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। सम्राट अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। और उज्जैन को क्या उज्जैनी अवंती अवंती ये पुराना नाम भी है उज्जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केतपुरा ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? केतपुरा ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में। केतपुरा ऐतिहासिक स्थल उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टेपा समारोह और मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में। टेपा समारोह और मालवा उत्सव उज्जैन में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिव नवरी के नाम से प्रसिद्ध, इसका आंसर हो जाएगा रतलाम। रतलाम को शिव नवरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव नगरी के नाम से प्रसिद्ध है रतलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुकरेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नीमच। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर नीमच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, महानदी किस जिले से प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा रतलाम। महानदी किस जिले से प्रवाहित होती है? रतलाम से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिम रेलवे का मंडल कार्यालय किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा रतलाम में। पश्चिम रेलवे का मंडल कार्यालय रतलाम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नीमच किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। नीमच उज्जैन संभाग के अंतर आता है और ये मालवा क्षेत्र में आता है, उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय किस शहर में है? पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में है। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। उज्जैन किस नदी के किनारे है दोस्तों? उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे, जहां पर महाकुंभ यानी कुंभ का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेशियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध, इसका आंसर हो जाएगा नागदा उज्जैन। यानी ग्रेशियम उद्योग कहाँ पर है? नागदा में और उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेशियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन द्वारा हो गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग केंद्रित है, सीमेंट उद्योग केंद्रित है, सिंपल सा है क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा नीमच। नीमच में है सीमेंट उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भर्ती परीक्षण केंद्र कहाँ है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का भर्ती प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा नीमच में है। यानी सीआरपीएफ की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहाँ भर्ती है? नीमच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाला किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाला किस शहर में है? उज्जैन में है। दोस्तों लास्ट का क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रीय वैध प्रतिष्ठान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय वैध प्रतिष्ठान संस्था कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में। राष्ट्रीय वैध प्रतिष्ठान उज्जैन में है। ओके तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन थे। आपने कितने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाहे आपने 10 किए हों या 12 किए हों, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन दिया हुआ और एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको इस यूट्यूब से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF, जो बात करें न्यूज़पेपर की, करंट अफेयर्स की, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगी। और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी मैं PDF आपको बताता हूँ कि इसकी PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।